चुनाव अधिनियम संशोधन बिल। अब जरा इसको समझ लेते हैं, पहले 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और उसके आगे समझिए। 19 दिसंबर को यह लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से 20 दिसंबर को यह पास हुआ और अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह कानून की शक्ल में लागू हो जाएगा। चुनाव अधिनियम संशोधन कानून में क्या है? चुनाव अधिनियम संशोधन कानून में पहले वोटर कार्ड आधार से जुड़ा हुआ नहीं था, अब वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से जो भी वोटर चाहेंगे वो अपने वोटर आई कार्ड को आधार से जुड़वा सकेंगे। मतलब ये कि एक व्यक्ति के दो वोटर कार्ड नहीं होंगे। अभी एक व्यक्ति के कई वोटर कार्ड मुमकिन है अगर वो चाहे तो। और अब पहले क्या था, साल में एक बार नया वोटर कार्ड बना करता था, जनवरी में इसके लिए विंडो खुलती थी। अब क्या होगा, साल में चार बार ये बन सकेगा, जनवरी में इसके लिए विंडो खुलेगी, अप्रैल में खुलेगी, जुलाई में खुलेगी और इस तरीके से ये अक्टूबर में चौथी बार और ये चार बार जो वयस्क हो रहा है, उस उम्र की दहलीज पर पहुंच रहा है जो अब उसके लिए लायक हो रहा है, वो चार बार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। 18 साल का होने पर वोटर बनने का इंतजार कम होगा क्योंकि विंडोज जल्दी जल्दी आती जाएंगी अपॉर्चुनिटी के। आगे दिखाइए, पहले क्या था, सैन्यकर्मी की पत्नी सैन्य मतदाता, लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति सैन्य मतदाता नहीं। अब क्या होगा, दोनों स्थितियों में सैन्य मतदाता रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। इसका मतलब क्या होगा, दोनों कंडीशंस में पोस्टल बैलेट की सुविधा होगी। इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है और यह निश्चित रूप से वोटर को एम्पावर करने की दिशा में एक बहुत अहम और बड़ा कदम है। आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड तो क्या क्या होगा, और कुछ अहम इसके पहलू समझना आवश्यक है। मकसद क्या है, खास है, एड्रेस जानने में मदद मिलेगी। इससे फर्क यह पड़ेगा कि अभी कई जगहों पर जहां एम्बिग्विटी चल रही होती है एड्रेस को लेकर, वो स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि आधार तो जाहिर है, उसको लेकर जेन्युइनली एंडोर्स करेगा। फर्जी वोटिंग पर इस तरीके से लगाम लगाना काफी हद तक मुमकिन हो जाएगा। मकसद यह भी है कि वोटर आईडी की डुप्लीकेसी खत्म हो जाए, एक आदमी का एक वोटर कार्ड रहे क्योंकि उसका एक आधार कार्ड है, उसी तरीके से वोटर कार्ड उससे लिंक्ड एक ही रहेगा। इलेक्शन डेटाबेस मजबूत होगा, इलेक्शन कमीशन के पास डेटा जो होगा वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा और उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने की संभावनाएं कम होंगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इससे बढ़ावा मिलेगा, एक व्यक्ति जो यहां का रहने वाला है कहीं और है वहां से भी वो इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकेगा और नए मतदाता जल्द इसके जरिए, इसमें जल्दी ये जब सुधार आ जाएगा तो जल्दी जल्दी जुड़ेंगे और इस तरीके से वोट परसेंटेज ओवरऑल बढ़ेगा। ज्यादा लोग ये तय कर पाएंगे कि उनका नेता कौन होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए। वोटर आईडी प्लस आधार मतलब साफ सुथरा चुनाव, ये एक इससे फायदा होगा जो स्पष्ट दिखाई देता है। और फायदा इससे क्या होने वाला है, फर्जी वोटिंग खत्म होगी, ड्यूप्लीकेट वोटर आईडीज खत्म होंगी, घुसपैठियों को पकड़ने में आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद मिलेगी, फेक कार्ड से सरकारी सुविधा पर जो लोग सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं उन पर लगाम लगेगी, गैर कानूनी गतिविधियों पर इससे निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और प्रवासी वोटर्स भी वोट दे सकेंगे। तो यहां तो हम जब इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये फायदा होने वाला है तो हाइंडसाइट भी तो देखना पड़ेगा। दूसरा पहलू देखिए, खतरा क्या है, अभी वोटरों का डेटा चुनाव आयोग के डेटाबेस में है और यहां आधार लिंक से ये जानकारियां एक से दूसरे में जुड़ जाएंगी। जब ये एक से दूसरे में जुड़ जाएगा डेटा तो प्राइवेट डेटा हैक होने का खतरा बढ़ जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर वैसे भी हमारे देश में स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि बहुत ऑप्टिमिज्म हम रख पाएं और ऐसे में जब बहुत प्राइवेट डेटा दूसरी जगह पर भी मौजूद होगा तो कहीं उसके गलत हाथों में जाने का खतरा तो नहीं बढ़ जाएगा। विपक्ष की दलील, विपक्ष क्या क्या कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि यहां बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, यह भी कहा जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि सरकार के इरादे ठीक नहीं है और ऐसे हालात में हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन यह वही विपक्ष है जिसने 2018 में इलेक्शन कमीशन के साथ हुई बैठक में इन प्रिंसिपल ये कहा था और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पेपर्स के साथ जहां ये कहा गया था कि हाँ हम इसके लिए रजामंद हैं। सारी पार्टीज ने ये कहा था कि दोनों को लिंकेज करने से ये इलेक्टोरल प्रोसेस के रिफॉर्म की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना, कोरोना सिर्फ मौका देखता है। लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए, बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।